प्रोग्रेसिंग। आज इसमें हम केवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके केवीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वित्त वाद्य की श्रेणी में आएगा। अभी आप सोचोगे कि वित्त वाद्य होता है, वित्त क्यों पूछ रहे हैं मैम, तो आप सोचिए कि ये वित्त किस वे में मैंने इसको रिलेट किया है कि वित्त आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे तत् के दो प्रकार होते हैं, तत् और वित्त। तो यहाँ पर देखिए, सारंगी, गिटार, सितार या तानपुरा। आप देखिए, गिटार जो है वो प्लेक्ट्रम से बजता है, सितार जो है वो भी फिंगर वगैरह से बज जाता है, तानपुरा भी फिंगर से बजता है, लेकिन सारंगी जो होती है वो गज से बजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प और सा के बीच कितने इंच का अंतर है। यहाँ पर मैं ये पूछ रही हूँ वीणा की तार पर, जब श्रीनिवास या अहोगल जी ने जब वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आपसे ये पूछ लेते हैं कि मेरू और धुड़ज के बीच कितने इंच की दूरी है, तो 36 इंच आता है। या फिर आपसे कभी ये पूछ लेते हैं कि मेरू और तार सा के बीच कितना अंतर है, तो वो 18 इंच आता है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रूँ कि पंचम और षड्ज के बीच कितने इंच का अंतर है, तो क्या आएगा 6 इंच, क्योंकि सा 18 पे है और पंचम कितने पे है 24 पे, तो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है ये श्रीनिवास जी के स्वर हैं और की तार की लंबाई है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा किसके साथ रिलेट करेंगे। पहला है कोमल रे, दूसरा है कोमल धैव, तीसरा है तीव्र मार, चौथा है कोवलनी। कोमल रे की बताइए 33/3, कोमल ध की 25/9, तीव्र मार की 22/2, और कोमल निषाद की 19/1/9। और इसके ऑप्शंस है 1234, 1324, 3241 या 2431। कौन सा इसके साथ करेक्ट करोगे आप? यहाँ पे सबसे पहले आप कोमल रे को फाइंड आउट कीजिए कि कोमल रे जो है वो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि सबसे कम ही देखोगे ना पहले, तो सबसे कम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर षड्ज को हम रखते हैं 36 पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कोमल ऋषभ कहाँ जाएगा। कोमल रे, कोमल धा, तीव्रमा, यहाँ पे सारे मैंने कोमल लिए हैं, क्योंकि शुद्ध लेती तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोमल लिए जा रहे हैं, तो आप फाइंड आउट करिए कि क्या है कोमल रे का कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। कोमल धा, तीव्रमा, कोमलनी, कौन सा होगा? कोमल ऋषभ, तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। देखो कोमल रे का क्या है 33/3 ही है, कोमल धैवत की क्या है 22/2, तीव्र माँ की क्या है 25/1, और कोमल नी की क्या है 19/1/9। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने मेरू और कोमल रे में कितने इंच का अंतर माना, 4/3, 8/3, 6/4। यहाँ पे मैंने आपसे कोमल रे का पूछा है, अगर मैं आपसे शुद्ध रे का पूछती तो आप आराम से बता देते, कोमल रे का मैंने आपसे पूछा है, बताइए कितने इंच का अंतर था। मेरू और कोमल ऋषभ में कितने इंच का अंतर माना है श्रीनिवास जी ने, 4/3, 8/3, 6 या फिर 4। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी, 8/3। इन्होंने 2 4/3, 4/3 के 2 किए थे और उसको फिर प्लस कर दिया था, तो 8/3 आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट आया है भिन्न को चुनिए, इसमें से आप कैसे इसको भिन्न करेंगे, डिफरेंट कैसे चुनेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको बताना है इसमें से डिफरेंट क्या है, मैंने क्यों लिखा है भिन्न को चुनिए, वीणा, तानपुरा, इसराज या सुरबहार। अब आप इसको किस वे में रिलेट कर रहे हो, आपको पता है कि सारे के सारे तत्ववाद्य हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूँ इसमें से वित्तवाद्य कौन सा आएगा, वही क्वेश्चन मैं अगर आपसे दोबारा पूछूँ तो आप किसको प्रेफर करोगे, तो ये समझ लीजिए वही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीणा की। वीणा क्या है, प्लेक्ट्रम से बज जाता है, गज उससे बज जाता है ना, बहुत वीणा जो है तार फिंगर से भी बजा सकते हैं, तानपुरा है हम फिंगर से बजाते हैं, सुरबहार भी, लेकिन इसराज जो होता है वो गज से बजता है या कमानी से बजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर मेल कलानिधि जो है हमारे सिलेबस में रामा मात्य जी भी हैं, तो आपको उनको भी पढ़ना है कि इनके मेल कितने इन्होंने माने, 20 माने हैं, और कौन से अध्याय में माने, मेल प्रकरण में माने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके फादर कौन है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ज़्यादातर अध्याय से बनता है कि कितने अध्याय माने हैं, तो स्वर में इनके कलानिधि के कितने अध्याय आते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो सही आंसर क्या है इसका, ए, ऑप्शन ए, 5 अध्याय माने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामो माते ने उत्तम राग कितने माने, 20, 15, 33 या 34। देखो उन्होंने अपने रागों को तीन भागों में डिवाइड किया। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहते हैं कि रामो माते ने रागों को कितने भागों में बांटा, तो तीन में। तो कौन कौन से में बांटा उन्होंने, उत्तम मध्यम और अधम में। ठीक है, उत्तम मध्यम और अधम। अगर हम बात करें कि अधम की उन्होंने कितनी मानी है, 15 मानी है, सॉरी उत्तम की उन्होंने कितनी मानी है, 20 मानी है, मध्यम की 15 मानी है, और अधम की कितनी मानी है, 33। ये सारे ऑप्शन मैंने इसमें किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। अगर आपको पता है कि राग की जातियाँ कितनी होती है और उपजातियाँ कितनी होती है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर हम देखते हैं कि राग की उपजातियाँ जो होती है वो 9 होती है, राग की जातियों की बात करते हैं तो वो 3 होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, यहाँ पे अगर मैंने थर्ड दिया होता तो आप 7 लिखते हैं, लेकिन यहाँ राग दिया तो 5 आएगा। सॉरी, ये 5 आएगा, मैंने गलती से 6 कर दिया, सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताना आपको कौन सा सही नहीं है। अब ये एक तरफ राग है और दूसरी तरफ क्या है, थाट। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ नॉट करेक्ट। देशकार इज रिलेटेड टू बिलावल, श्री, पूर्वी, रागेश्री, खमाज, हिंडोल, बिलावल, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देशकार देखो बिलावल थाट का होता है, श्री पूर्वी का होता है, रागेश्री खमाज का होता है, हिंडोल नहीं होता बिलावल थाट का। ये किस थाट का होता है ये आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मैंने जो ग के ऊपर डॉट सा लगाया, रे के ऊपर, इसका मतलब ये कोमल स्वर है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी राग है। गा कोमल, ग पे न्यास है, रे कोमल, ग कोमल, रे कोमल, फिर सा और फिर निधा। अब आपको बताना है ये कौन से राग के स्वर हैं, तोड़ी के हैं, गुर्जरी तोड़ी के हैं, बिलास खानी तोड़ी के हैं, या फिर भादुरी तोड़ी के हैं। विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गुर्जरी तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी, बहादुरी तोड़ी, या फिर तोड़ी। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, तोड़ी। ठीक है, तोड़ी विल बी द राइट आंसर। पंचम को हम वर्जित करते हैं गुर्जरी तोड़ी में, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मा ग म रे ग, मा तीव्र है ये, रे कोमल है। अब आपको बताने किस राग को चिन्हित करता है ये, पूर्वी को, तोड़ी को, बसंत को, या पूर्या धनाश्री को। पूर्वी तो वैसे कट हो जाएगा क्योंकि इसमें गंधार, तोड़ी तो वैसे कट हो जाएगा क्योंकि इसमें गंधार कोमल नहीं दिया मैंने। ठीक है, और बसंत और पूर्या धनाश्री में से बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, डी, पूर्या धनाश्री। ठीक है, पूर्या धनाश्री के स्वर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बाहर जो है वो किस थाट द्वारा निर्मित है। अगर आपको थाट याद नहीं होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि थाट की कैसे याद करें, तो इसको मैंने काफ़ी ट्रिक से बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो इसको जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो किस थाट का है बाहर, तो क्या है, काफ़ी। किस थाट का आएगा, ऑप्शन ए, काफ़ी, बाहर काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर 13। नीपा मापा ग कोमल, फिर माँ सामा मापा गा कोमल, ये किस समुदाय को चिन्हित करता है। यहाँ पे कोई निषाद कोमल नहीं है, ना ही यहाँ पे मातीव्र है, ओनली यहाँ पे क्या है, गंधार कोमल है। अब आपको बताना है कि ये जो ग्रुप है ये किस राग को चिन्हित करता है, बहार को, मियाँ मल्हार को, बागेश्वरी को, या फिर अड़ाना को। बागेश्वरी, बहार, मियाँ मल्हार, बागेश्वरी, अड़ाना। सही ऑप्शन इसका जो होगा वो होगा बाहर, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति पद रचना और स्वर रचना दोनों में निपुण हो उसको क्या कहते हैं, कलावंत, वांग्यकार, गांधर, या फिर तुरे। जो व्यक्ति पद रचना और स्वर रचना दोनों में ही एक्सपर्ट होते थे प्राचीन काल में, उनको क्या बोलते थे। देखो कलावंत तो हम उनको बोलते थे जो ध्रुपद गायक होते थे। तुरे इट्स रिलेटेड टू कि तूरे जो है ये पाणिनि के काल में था, गांधर्व जो है वो गायकी है एक, जो गंधर्व का गायन किया करते थे, वांग्यकार आएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कि वांग्यकार जो थे वो दोनों रचना में निपुण थे इसको बोलते थे। अब देखो बानी आपको पता है चार होती है, गोबरार बानी, डागुर बानी और लोहारी बानी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा आर्टिस्ट किस बानी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपसे कि विलायत हुसैन खां जो है वो किस बानी से संबंधित है। अब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि बानी का मतलब क्या होता है, सब ने याद कर रखा है कि डोबर बारहानी होती है भाई, डागुल बानी होती है। देखो ये बानी का मतलब होता है कि ध्रुपद में जो क्वालिटी होती है गायकी की, कि कई होते हैं कि गंभीर प्रकृति से गाते हैं, कई होते हैं बिल्कुल सरल वे में गाते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, बानी जो है वो गायकी से रिलेटेड है, वाणी से आप समझ सकते हो। तो विलायत हुसैन जी किससे रिलेटेड है, नौहारी बानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सवाई गंधर्व ये किस घराने से संबंधित है, ग्वालियर, जयपुर, मेवाती, या किराना।
ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा सवाई गंधर्व के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये। तो अब आपको बताना है कि किस घराने से रिलेटेड हैं ये, ग्वालियर से, जयपुर से, मेवाती से, किराना से। सवाई गंधर्व किस घराने से संबंधित है? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? किराना। ठीक है, जयपुर से नहीं है ना ही मेवाती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद अंग के ख्याल, यानी कि ध्रुपद तो गायकी है ही है, लेकिन कुछ लोग ख्याल में ध्रुपद को भी ध्रुपद की तरह गाते हैं, ध्रुपद अंग की तरह कुछ ख्याल गाते हैं, वो कौन से घराने की क्वालिटी है? ग्वालियर की है, दिल्ली की है, जयपुर की है, या फिर पटियाला की? ध्रुपद अंग के ख्याल जो हैं वो किस घराने की विशेषता है? ग्वालियर की, दिल्ली की, जयपुर की, या पटियाला की? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ध्रुपद अंग के ख्याल जो हमें देखने को मिलते हैं कौन से घराने में है? ग्वालियर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर कि ग्वालियर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी संगीत का जो शुद्ध ऋषभ है वो दक्षिणी संगीत के किस स्वर को इंगित करता है? अब सबको इसी में कन्फ्यूजन रहता है कि पंचश्रुति का आएगा या षटश्रुति का आएगा या चतुश्रुति का आएगा। देखो शुद्ध ऋषभ तो शुद्ध ऋषभ नहीं है, आपको मैं चार पांच चीज़ें तो इसमें याद कराई। देखो देख, पंचम सेम रहेगा, षड़क भी सेम रहेगा, मध्यम भी सेम रहेगा। इसको अगर ट्रिकी वे में याद करना तो आप वीडियो देख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नी सी, चतुश्रुतिक ऋषभ नाम है इसका। दक्षिण संगीत में शुद्ध ऋषभ को चतुश्रुतिक ऋषभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है? और आपको पता है मूर्छनाएं किस पर आधारित होती है? ग्राम से। मूर्छनाएं किससे संबंधित होती है? ग्राम से। अगर वैसे हमसे पूछा जाता है कि कुल मूर्छनाएं कितनी होती है तो हम 21 बताते हैं, क्योंकि वो 3 ग्रामों से रिलेटेड होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा 1 ग्राम से कितनी मूर्छना उत्पन्न होती है, तो 3 से 21 है, तो 1 से कितनी हुई 7। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएँ बनती है। और अगर आपसे कुल पूछता है तो आप 21 लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग और थाट का मिलान करिए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। झिंझोटी, खमाज, मांड, बिलावल, चंद्रकोस, भैरवी। देखो झिंझोटी क्या खमाज थाट से है, मांड क्या बिलावल थाट से है, चंद्रकोस क्या भैरवी थाट से है, कामोद क्या कल्याण थाट से है, सोहनी क्या पूर्वी थाट से, कौन सा सही नहीं है इसमें से? चंद्रकोस तो आपको पता ही है मोस्टली भैरवी थाट से आता है, मांड किस थाट का है झिंझोटी भी पता होगा खमाज से है, कामोद किस से है, कामोद ये भी मैंने ट्रिकी वे में बताया हुआ थाट को निकालना, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको भी देख सकते हो वीडियो को। कामोद, कल्याण, सोहनी, पूर्वी, कौन सा इसमें से सही नहीं है? झिंझोटी, खमाज, मांड, बिलावल, चंद्रकोंस, भैरवी, कामोद, कल्याण, सोहनी, पूर्वी। तो इसका जो सही आंसर आपको इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी है सोहनी, पूर्वी का नहीं होता, सोहनी है मारवा की। ठीक है, सोहनी मारवा थर्ड से है, तो ये सही नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए माय चैनल। थैंक यू।